इस पैराग्राफ में लेखक ने यही बताया है कि अपने जीवन में बहुत ही कठिनाइयां मीन्स डिफिकल्टीज देख चुकी है, लेकिन आज भी थोड़ी कठिनाइयां आने पर उनका मन दुखी हो जाता है। उनके पॉजिटिव थिंकर जो दोस्त है लेखक को प्रसन्न कराने के लिए मीन्स हैप्पी बनाने के लिए आने वाली छुट्टियों के बारे में बताते हैं, और थोड़ी सी परेशानियां में दुखी होने वाला कहकर मजाक उड़ाते हैं। लेकिन लेखक के मन में सदा समय अपने पुराने बातों के बारे में और अपनी दादी माम के बारे में याद आती रहती है। बच्चों, अगली पंक्तियाँ इसका कठिन शब्द देखिए। क्वार अगस्त मंथ। ओके, मोथा और साई की अधगली गाहे मीन सम ग्रास, कीजट डर्टीनेस, गंध बैड स्मेल, कूदना टू जंप, बन प्याज की जड़े रूट सूख ड्राई। इसमें लेखक जी कहते हैं रेनी सीजन के समय चारों ओर से पानी और घास आकर लेखक के गांव के चारों ओर सड़ने लगते हैं। इससे एक विचित्र गंध मीन्स बैड स्मेल आ जाते हैं। रास्तों में कीचड़ सूख रहा है और गांव के सभी लड़के इस पानी में धमाके से कूद रहे हैं। लड़के बहुत उत्साह के साथ इस डर्टी वाटर में कूद कर नहाते हैं। बच्चों, ये पैराग्राफ में अंग्रेजी में बताऊंगी। ड्यूरिंग द रेनी सीजन द वेस्ट वाटर द ड्राई ग्रासेस एंड द अदर सब्सटेंसेस यूज टू फ्लो फ्रॉम अदर एरियाज टू राइटर्स विलेज। ड्यू टू द हीट ऑफ द सन दिस डर्टी वाटर विल गेट सो स्टिंकी, बट इट्स नॉट ए प्रॉब्लम टू द चिल्ड्रन ऑफ द सेम विलेज। दे विल डाइव इन दैट वाटर एंड फाइंड हैप्पीनेस। आगे देखिए इसका कठिन शब्द। आषाढ़ जून जुलाई का महीना। जामुन ब्लैक प्लम। अगहन मलयालम मंथ धनु। चिवड़ा बीटन राइस इन मलयालम में अवल। लाई पार्च्ड राइस। गुड़की पट्टी क्रीम ऑफ शुगर। ज्वर फीवर हल्की लाइट। नींबू लेमन। रजाई बेड। अफसोस दुख। साधारण दर्द ऑर्डिनरी पेन। इसके बाद लेखक बताता है जून जुलाई महीने में मैंगो और ब्लैक प्लम मिलता नहीं। धनु मंथ में बीटन राइस नहीं मिलता। चैत्र के महीने में दैट इज मार्च अप्रैल महीने में शुगर क्रीम न मिले। लेकिन इसमें लेखक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुख भी नहीं है। लेकिन इस डर्टी वाटर में कूदना न हो तो लेखक को बहुत बुरा मान लेता है। लेकिन एक दो दिन कूदने से बीमार हो गए और इसके बाद भयानक बुखार आ गया। आफ्टर प्लेइंग इन दैट डर्टी वाटर दे सफर्ड फीवर। ओके, फिर आगे लिखते हैं डिफिकल्ट शब्द देखिए। चादर ब्लैंकेट। धोती ड्रेस यहाँ साड़ी। ओके, पतला दुपला स्लिम एंड वीक। शरीर बॉडी पेट स्टमक। सर हेड चुए टू टच। इसमें लेखक कहते हैं फीवर के कारण वह ब्लैंकेट दैट इज चादर यूज कर सोता था। ही स्लीपिंग। ओके, उस समय दादी माँ उस डर्टी वाटर में नहा कर आई थी। वह दुबली पतली थी। दादी माम कैसी थी? दुबली पतली।
वह अपने प्रेम से भरे शरीर पर सफ़ेद रंगीन धोती पहनती थी। आते ही वो लेखक के माथे पर, माथा मीन्स फोहट, और मुंह में कुछ विभूति सी लगाई। क्या है विभूति का अर्थ? मलयालम में विभूति का अर्थ है भस्म। ओके, दैट इज शी अप्लाइड सम विभूति इन हिज हेड।